नमस्ते दोस्तों जी, हाँ मैं उजेंता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और मैं जैसे कि आपको पता है सच्ची क्राइम की कहानियां लेके आते रहता हूँ। आज की कहानी कुछ ऐसी है, मुंबई से आ रही है दहला देने वाली खबर। नमस्कार, मैं रिया, नवी मुंबई उल्वी न्यूज में आपका स्वागत है। परीक्षा देने जा रही 20 साल की एक लड़की के साथ चलती ट्रेन में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बुधवार को उस समय हुई जब छात्रा सुबह 7:30 बजे CSMT पनवेल लोकल सेकंड क्लास सहित महिला कोच में यात्रा करने के लिए सवार हुई। ट्रेन लगते ही आरोपी कोच में चढ़ गया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। छात्रा ने अपना बचाव करने का भी प्रयास किया। एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस बुलाने की धमकी भी दी, लेकिन आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन जैसे ही मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन पहुंची, छात्र ने ट्रेन से उतरकर अपना बचाव किया। GRP और RPF की संयुक्त टीम ने 4 घंटे के अंदर आरोपी नवाज करीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। हालांकि इस तरह की घटनाओं ने लोकल ट्रेनों में रेलवे पुलिस की सुरक्षा का मुद्दा खड़ा कर दिया है। चलती हूँ, फिर मिलूंगी किसी और वारदात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आरोपी जो है वो मस्जिद में एक किला वाला शॉप है हार्डवेयर का, वहाँ पे हमाली का काम करता है और उसने लड़की को अकेला देख के ये इंसिडेंस किया है। अदरवाइज उसका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है एंड उसको हमने मस्जिद बंदर से अरेस्ट किया। ये रहने वाला कहाँ का है? ये बेसिकली किशनगंज बिहार का रहने वाला है। इसके खिलाफ कुछ और भी मामले पहले आए हैं ऐसा कुछ नहीं? इसके खिलाफ ऐसे कोई मामला दर्ज नहीं है और मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि दिस सिचुएशन जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहती है फैमिली के लिए और लड़की के लिए, लड़की को लगता है कि मेरा अभी सब फाइनल हो गया है, सब भी मुझे उसी नज़र से देखेंगे, तो इसलिए उसको ट्रॉमा ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज अगर करते भी हैं तो उसकी आइडेंटिटी। नवी मुंबई उल्वे न्यूज के लिए आशीष चौधरी की पेशकश।